चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआईडी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। गृहमंत्री ने डीजीपी को चार्जशीट फाइल करने के लिए कहा है। सीआईडी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। गृहमंत्री ने सीआईडी चीफ एडीजी अनिल राव को चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं। गृह सचिव विजय वर्धन को दिए एल विज ने चार्जशीट करने के आदेश। एडीजीपी अनिल राव अनुशासनहीनता के उन पर आरोप लगे हैं। गृहमंत्री की ओर से मांगी गई कुछ रिपोर्ट समय पर ना देने पर यह कार्रवाई हुई है। कुछ रिपोर्ट के अभी तक ना देने पर यह कार्रवाई की गई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच सीआईडी को लेकर विवाद चल रहा है। विज ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्रीकांत जाधव को बनाया। सीआईडी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। विनोद लामा जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता। विनोद, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला गहराता चला जा रहा है। एक बार गृहमंत्री के इस एक्शन से कहीं ना कहीं मामला और तूल पकड़ेगा। बिल्कुल तूल पकड़ेगा क्या? आप तो एक ऑफिशियल लेटर लिखे जाने की भी जानकारी आ रही है, जो सूत्रों के मुताबिक उसमें साफ तौर से सिफारिश की गई है गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से अपने गृह सचिव को विजय वर्धन को। ये आदेश दिए हैं कि सीआईडी चीफ एडीजीपी अनिल राव, जो की सीआईडी के चीफ भी हैं, एडीजीपी अनिल राव को चार्जशीट किया जाए और उनको हटाया जाए। उनके विभाग से अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं उन पर। साफ तौर पर यह कहा गया है गृहमंत्री की ओर से, कुछ रिपोर्ट जो नहीं दी थी समय पर बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी, उन्हें चार्जशीट किया जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ये सिफारिश भी की गई है, जो दूसरों से जानकारी मिल रही है गृहमंत्री के द्वारा, कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्रीकांत यादव को नया सीआईडी चीफ लगाया जाए और श्रीकांत यादव की जगह वाइस वर्सा करके, यानी कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। यानी कि ये बड़ी चीज है, चार्जशीट करने की बात है अनिल राव को। इसके साथ साथ ये बात है कि श्रीकांत यादव को नया सीआईडी चीफ बनाया जाए। लेकिन विनोद, इस बात को समझना पड़ेगा, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है और ये विवाद अभी चल ही रहा है कि आखिर सीआईडी विभाग है किसके पास, इस पर लगातार से बातें चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर सीएम का क्या स्टैंड होता है। देखिए, सीएम लगातार लगता नहीं है इस विषय को बयान देंगे। अब देखना होगा गतिविधियां किस तरह से तेज होती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है और गृहमंत्री भी दिल्ली में है, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से कार्य संभाल रहे थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनकी ताजपोशी हो चुकी है, इस सिलसिले में और इस प्रक्रिया के चलते ही दोनों जो विवादित कहा जा सकता है जो मामला चल रहा है दिल्ली में मौजूद है। और ये नजर रखनी होगी कि क्या आलाकमान से कोई अलग भी मीटिंग होती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी नड्डा साहब की जिस तरह से ताजपोशी हुई है, बहुत समय नहीं होगा इस तरह के विवाद में पड़ने का या फिर कहें सुलझाने का। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बात आप भी बखूबी जानते हैं कि आलाकमान के संज्ञान में मामला बहुत दिनों से चल रहा है। और बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह से ये बातें चल रही हैं विभाग को लेकर, विभाग किसके पास रहेगा किसके पास नहीं रहेगा, इस पर बातें कहीं भी जा चुकी, लेकिन अचानक से गृहमंत्री का ये एक्शन ले देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और ये आगे भी इंगित करता है कि मामला और बढ़ेगा भी। अब बिल्कुल, अब जब सीआईडी चीफ को ही चार्जशीट करने की बात कर दी गई है तो, और उसके साथ साथ ही उनको हटाने की बात कर दी गई है गृहमंत्री की तरफ से, तो मामला बढ़ेगा और सारा विवाद ही सीआईडी को लेकर है। और अब सीआईडी चीफ को ही चार्जशीट करना चाहते हैं अनुशासनहीनता के जो एक तरह से उस पर आरोप लगाते हुए, तो ये मामला बढ़ेगा। इस पर यह है कि ये मामला कब तक बढ़ेगा और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या सीआईडी की शिक्षक आज अनिल विज को मिलेगा या फिर सीएम को बड़ा कदम उठाते हुए इस मामले को आलाकमान के जरिए इसे खत्म करा पाएंगे। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद आपका।